13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या दिया है? एक पोलर हेमिस्फीयर है जिसमें टू हेमिस्फेरिकल एंड्स अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। हाँ, इसका रेडियस है, बेस रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है टोटल हाइट उसकी 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तुमने कभी इस टाइप का कोई कंटेनर हो कुछ कभी देखे हो? ऐसा हो देखा किसी? हाँ, किस आर ग्लास? हाँ सर, आर ग्लास। तो क्या होता है सर? सैंड गिरती ना, सैंड गिरती है। अच्छा, कोई बात नहीं सर, नीचे से भी ये हो गया, मतलब आराम से बैठ भी जाएंगे, है ना? अच्छा ठीक है, बाहर से भी दिखाई देगा तो जो फ्लैट करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके गुड, और उधर से भी कुछ रख सकते हैं कोई भी तरफ से। ओके बहुत बढ़िया। अच्छा तो इसमें फाइंड क्या करना था सर? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था। टोटल सरफेस एरिया क्या का फाइंड करना था? टोटल सरफेस एरिया में जो हेमिस्फेरिकल एंड्स है उनके अंदर का सरफेस एरिया प्लस द सिलेंडर के अबाउट सरफेस एरिया। जो अंदर की मतलब सरफेस एरिया फाइंड किया और बाहर के कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? कर्व सरफेस सिलेंडर 2 पाई आर। तो कैसा आता है तो फॉर्मूला कहाँ से आता है? कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2 पाई आर। कहाँ से आता है तो कैसे करके याद करते हो? अच्छा याद है, मतलब भूल गया तो हो जाए। सिलेंडर को अगर खोला जाए तो वो एक रेक्टेंगुलर शीट में चेंज हो जाएगा। हां, उसमें से फार्मूला दे रहा है। नो नो, इस टाइप का मतलब कोई रिंग है, इस रिंग को ऐसे 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 करते करते जाएंगे केस का, तो क्या होगा? ये तो 2 पाई आर है, हाइट उसका इंच हो जाएंगे तो 2 पाई आर इंच हो जाए। ओके, और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा याद करने जब 4 पाई आर स्क्वायर होता है उसका आधा होता है। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद सब सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके तुम्हारा 17 आ रहा है। इसके बाद ये सेंटीमीटर स्क्वायर है टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में क्या लिखा, क्या फाइंड करना? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो इस फर्स्ट में स्टेटमेंट को लिख दो, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सही है, लेकिन उसमें जो चीज पूछता उसको लिखना पड़ता है। ओके, तो सही है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर आप और यहां भी किया कैलकुलेशन इधर ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो तुम्हारा रिलेशन चलिए नेक्स्ट आ जाओ।